चिकित्सक अभ्यर्थियों पर एक तरफ लाठीचार्ज होती है और उनका कहना है कि मतलब साथ में जो नियोजन होना है कोई भी सरकार किसी भी आंदोलनकारी पर तब तक लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं करती है जब तक आंदोलनकारी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। यह सर्वविदित है और जिस मुद्दे पर जिस इशू पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपील जारी है कि भाई आपको 16 करोड़ के लिए 8 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी तब भी नहीं मिलने जा रही है, उसके लिए तो आप कोई चिंता नहीं करते हो, कम से कम आंदोलन का एक रुख उधर भी होना चाहिए जो नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कोई भ्रम पैदा कर रहे हैं और किसी न किसी भ्रम के शिकार हैं लोग। सरकार तो करने ही जा रही है और सरकार किसी दबाव में थोड़े ना कर रही है, सरकार को करनी करनी है। 10 लाख नियुक्ति होनी है और 1/4 हमारे विभाग से होनी है, तो जब लाखों लाखों नियुक्तियाँ होनी है भैया तो मैंने कहा ना कि कुछ कुछ चंद दिन या महीने लग सकते हैं। तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं, जो नियोजन नीति में खामियां थी किसी लेवल पर हर एंगल से उसको देख के सुन के समझ करके तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता करके वो फाइनल स्वरूप में आ गया। अब उस पर विभागीय स्तर पर काम हो रही है, अब ज़्यादा दिन नहीं है। नीति तो आ जाएगी, नीति तो बहाली में देरी को लेकर बहाली में मेरे सवाल का वह उत्तर नहीं था न मेरा वह सवाल था। मेरा सवाल था STET को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये सवाल आप देख लीजिए, इसलिए आप लोग भी कुछ सुन लेते हैं कहीं सड़क पर हो उसी को चलाना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये पता है कि आप लोगों का अपना मिजाज नहीं है, कहीं से डायरेक्शन आप लोगों को भी मिलता है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि BJP इसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी भ्रम में है, कोई उनको उनके बीच में भ्रम लेके जा रहा है। शिक्षा मंत्री भ्रम को दूर करने के लिए क्या कहेंगे? तो मैं तो भाई शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार विकास के विश्वकर्मा एक बार आज से 2 महीना 3 महीना पहले कह चुके हैं 15 अगस्त के अवसर पर कि भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसके बाद भी कोई भ्रम रहता हो तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ जहाँ 16 करोड़ वाले से कुछ तो लो भैया। भाई तो अब मैं तो कह रहा मेरा विभाग ही 1/4 दे रहा है 10 लाख में से, बल्कि 1/4 से ज़्यादा दे रहा है। सातवें चरण को लेकर सर कुछ समय सीमा कुछ होगी या अभी सर समय? अब एक एक बात को कितनी बार दोहरा दूँ भाई, आप तो इसको कवर कर चुके हैं।